दोस्तों ये है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले एक धासु हेडफोन्स जो कि है जेब्रोनिक्स एओन। ये हेडफोन्स रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, सो आज की इस वीडियो में हम इसी के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्राइस होने वाली, कितनी वारंटी देखने मिलती है। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके डिजाइन की, तो ओवरऑल अच्छा डिजाइन होने वाला है और ये हेडफोन्स इतने सारे कलर वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों ये हेडफोन्स वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं होने वाले, लेकिन आप इसे जिम के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.3 जैसा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन देखने मिलता है, जिसके साथ ड्यूल पेयरिंग का फीचर भी है। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है टोटल 110 घंटे की बैटरी लाइफ, जो की विदाउट ANC और 50% वॉल्यूम पे है। लेकिन रियल लाइफ में आपको 80 आवर्स के अराउंड नॉर्मल मोड पे चल जाएगी, अगर आप ANC के साथ यूज करें तो 50-60 आवर्स के अराउंड चल जाएगी। अब इसके ड्राइवर्स की बात करें तो 40mm के ड्राइवर्स है, जो की आपको ओवरऑल अच्छा बेस प्रोवाइड करेंगे। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, जो कि प्राइस के हिसाब से ओवरऑल एक ठीक ठाक काम करेगा। और इससे बहुत ही प्रीमियम लेवल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि कितने डेसिबल तक का नॉइज कैंसिलेशन है वो ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है। साथ एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है, जो कि कॉल के दौरान सराउंडिंग नॉइज को कैंसिल आउट करेगा, जिससे कि अगले वाले पर्सन को आपकी आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई देगी। गेमर्स के लिए लो लेटेंसी मोड है, लेकिन कितने एमएस की लो लेटेंसी है ये भी ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है। अब इसकी वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी देखने मिलती है और 7 डेज की सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो 1999 इसकी प्राइस है, और इस प्राइस के हिसाब से ओवरऑल अच्छे हेडफोन्स है। लेकिन इन हेडफोन्स के स्पेक्स ही बहुत अच्छे हैं, रियल लाइफ में कैसे है इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप बाय करना चाहते तो उससे पहले थोड़े बहुत रिव्यूज देखिए, उसके बाद बाय करना कंसिडर करें।